नमस्कार, मैं रिश्पा पॉल आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री को सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में सरोपा ना दिए जाने पर एसजीपीसी ने अपने दो अरदासियों की बदली। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी को समर्पित श्री अखंड पाठ करवाए के आरंभ। अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स अपनी मांगों संबंधी बैठी धरने पर। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल को सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में अरदासी सिंह के द्वारा सरोपा ना दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री जब सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक हुए तो अरदासी सरदार बलबीर सिंह ने उन्हें सरोपा भेंट नहीं किया, जिसके बाद वह बिना सरोपे के बाहर आ गए, जिसमें कि ये मामला उनकी तौहीन का बना, जिसके बाद उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब में माथा टेका, तब उनको सरोपा दिया गया। इस मामले में सरदार प्रकाश सिंह बादल कुछ उखड़े हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाई रखी। सीएम साहब जिहड़े ने ओह एक स्टेट दे मतलब हेड भी ने, मुखी ने, सत्कारयोग ने, और श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त भी ने, और लम्मा चौड़ा उन्होंने संघर्ष भी है। उन्होंने मतलब श्रो इतने कोई इस तरह की जी गल हुई है वो संबंध च मतलब भी उन्होंने जो बनता मान सत्कार जो कोई ढिल मट हुई है वो संबंध में मतलब चीफ सकत्र सरदार हरचरण सिंह सरदार जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मौके से एक्शन लेंद्या उन्होंने जिहड़े व्यक्ति सीगे उन्हां दी तब्दीली कर दित्ती है। और ये सारी कुताही पिछे की सीगा उहदी पड़ताल जिहड़ी आ उह निर्धारित कीती गई आ, उह पड़ताल समय सामने आ जाएगा भी मतलब की होया। भाई बलबीर सिंह नूं तां गुरद्वारा चरण कवल बाछीवाड़ा भेजा गया है, और गुरचरण सिंह नूं गुरद्वारा नानकैणा साहब संगरूर विखे भेजा गया। उह सवेरे पता लगेगा जी उहदी भी कमेटी च कौन कौन है और ये पड़ताल जी किवें शुरू हो रही है। ये गल मैं तो कोई उन्होंने को सुनी नहीं है, पर जो है भी है तो भी ये बारे जी पड़ताल सामने आ जाएगी भी की गल फिर शुरू हो जाएगी। काका अज इतने मत्था टेकन आए हैं, कोई पॉलिटिक श्रद्धा ने मत्था जो मैं आना इतने अमृतसर मत्था टेकन। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दल खालसा की ओर से साका नीला तारा यादगिरी मार्च निकाला गया, जिसका मुख्य मकसद 1984 के बाद पैदा हुए युवाओं को ऑपरेशन ब्लू स्टार की असली जानकारी देना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या निकले। इस मार्च में सैकड़ों सिख युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान दल खालसा नेता करपाल सिंह बिट्टू ने साका नीला तारा यादगिरी मार्च के बारे बताया कि इस मार्च का मुख्य मकसद ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना है। इस दौरान 6 जून को अमृतसर बंद का ऐलान भी किया गया। आज दल खालसा की तरफ से जो कल्लूकारा हुआ था 1984 जून में, जो हिंदुस्तान की सरकार ने दरबार साहब पर हमला किया था, उसके 32 वर्ष पूरे होने पर हम आज एक कल्लूकारा यादगारी मार्च निकाल रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय फौज से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की, जो निर्दोष लोग अंदर मारे गए, जिनको पकड़ कर मारा गया, जो अकाल तख्त को डेड एरी किया गया, उसके रोष में और उसके जो हमारे जो जख्म मिले हैं हमको, हम उसके लिए ये रोष मार्च कर रहे हैं। जो एक कौम अपनी स्वयंमान के लिए लड़ रही थी, जो अन्न के लिए लड़ रही थी, जो हकों के लिए लड़ रही थी, उनके मुकद्दस स्थान पर क्यों हमला किया, क्यों निर्दोष लोगों को मारा गया, और हम चाहते हैं कि दुनिया हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, जो जर्नैल थे जिन्होंने देखी है, उनको वॉर क्राइम के दोष अधीन ट्रायल। पठानकोट में 5,500 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार तथा प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। ये मामला महाभारत काल की पांडव गुफाओं और शिव मंदिर का अस्तित्व बचाने का है, क्योंकि रावी दरिया पर बैराज प्रोजेक्ट बन रहा है। प्रोजेक्ट की झील के पानी में ये पांडव गुफाएं और शिव मंदिर समा जाएगा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि सरकार को इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ी इस ऐतिहासिक धरोहर से महरूम हो जाएगी। उन्होंने सरकार से इसे बचाने के लिए एक अलग से फंड बनाने की मांग पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस नीति नहीं बनाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बात करना।
ये जो मुक्तेश्वर महादेव बचाओ समिति के सौजन्य से जो ये यात्रा निकाली गई है, 22 मई को ये शुरू हुई थी और 5 जून को ये धाम पर ही समाप्त हुई थी होगी। इस यात्रा का एक जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को ये सूचना दी जाए कि शाहपुर कंडी बराज प्रोजेक्ट का जो फोर्थकमिंग जो उनका प्रोजेक्ट है जिससे झील बनेगी, उसमें ये पुरातन शिवधाम पूरी तरह से डूबकर नष्ट हो जाएगा। जब तक फाइनल प्रपोजल नहीं बनेगा, उसको गजटाइज नहीं किया जाएगा, धाम को बचाने के लिए एक बजट या धन अवमुक्त नहीं होगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा किसी कीमत पर। जे एंड के ना वो काम रुकवाया इस करके भी जे एंड के लगे भी 10-15 साल जो प्रोजेक्ट लेट होया सानू उहदे पैसे दिओ। उस सरकार में गलबात चले करती है। उत्थे एक मकेसरा धाम मंदिर है, मैं तो अज तो 4 साल पहले गया है भी अगर ये मकेसरा धाम मंदिर जो नहीं बचाया जा सकेगा मेरे को तो मैं रिजाइन करूँगा। और अज भी कुछ लोग ही ना उसी पोलिटिकली रंग देना चाहते ना, उस चीज़ की पोलिटिकली रंग देना चाहते ना। और मकेसरा दा मंदिर हर हाल च बचगा, उहदे बकायदा ड्राइंग बन गई है, सब कुछ उहदी फॉर्मेलिटी जिहड़ी पूरी होई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 32वीं बरसी के मौके पर आज श्री अकाल तख्त साहिब पर श्री अखंड पाठ को आरंभ किया गया। 6 जून को श्री अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। एसजीपीसी की ओर से शुरू करवाए गए पाठ में आज जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के ज्ञानी गुरबचन सिंह और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर सरदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सभी संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। अज समुचा खालसा पंथ वालों पंथ की नुमाइंदा जमात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, समुचियां धार्मिक जथेबंदियां सभा सुसायटियां वालों जून 1984 के उस समय की जालम सरकार जो सेंटर सरकार कांग्रेस सरकार सी, उसने सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहिब होर 33 गुरधामों के उत्ते तोपां टैंकां दे नाल हमला करके गुरपुरब मनाउण वास्ते आईयां होईयां संगतां नूं गोलियां दा निशाना बनाया। उत्थे मरदे मुजाहद 20वीं सदी के महान शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, अमर शहीद भाई हरीक सिंह जी, जनरल शबेग सिंह जी, बाबा अठारा सिंह जी, उन्हां दे सारे साथियों ने अपने खून के अंतले तुमके तक जालमां दा नाश करदिआं महान शहीदियां प्राप्त कीतियां। मैं सारे नूं बेनती करनी चाहुंदा सगों आपां सारे रल मिल के इकट्ठे हो के और बिना किसी रौले रट्टे तो आपां गुरु की हजूरी विच बैठ के ते उन्हां महान शहीदां नूं याद करिए ता कि आने वाली नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है आने वाला साडा भविख है वह भी ये गल नूं सोचे कि एडा वड्डा दिन जिहड़ा है ये सिखां ने इकट्ठे हो के और उन्हां दे दिल विच चीज सी दर्द सी 1984 दा ते उन्हां ने इस दिन नूं सारा जिहड़ा है ये बड़ी चढ़दी कला दे नाल मनाया। सरहदी तहसील अजनाला में लुटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जब उन्होंने एक आड़ती से सरे बाजार में लूट की वारदात को अंजाम देते हुए उसे पिस्तौल की नोक पर 15 लाख की लूट की। दरअसल बलविंदर सिंह नाम का आड़ती अपने गांव दयालपुर से अजनाला के लिए आ रहा था, तब तमोवाल गांव के पास लुटेरों ने उनकी कार के आगे आकर कार लगा दी और साथ ही हथियारों के साथ उतरकर नीचे आए और उन पर हमला करने के बाद उससे पिस्तौल की नोक पर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। इस संबंधी सरदार जसदीप सिंह SSP देहाती ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। सर मैं गड्डी आने गड्डी गड्डी लेके लाई है पर मैंने खिंच के थले लाया हाँ मेरे इतने मारी है उस तो बड़ा ना रवाज रखे मेरी गड्डी दरमियान ये वारदात हुई है जिस करते कोई स्कॉर्पियो 6
ਸੀਗੇ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੈਲਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਭੀ ਹਾਸਪਿਟਲਸ ਮੇਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਂ ਕਾਰਿਅਰਤ ਨਰਸਿੰਗ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सें काम का बहिष्कार कर ऑपरेशन थिएटर बंद कर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। हड़ताल के कारण गुरु नानक देव हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवाएं ठप होकर रह गई। इस अवसर पर ठेका आधारित पैरा मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष अजीत पाल कौर ने अपनी मांगों की जानकारी देते हुए बताया कि नर्सों की मांगों का ये मामला सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। अजीत पाल कौर है मेरा नाम। असी अज सरकार दे जिहड़े हैगे आ रवैये तो तंग आके अज असी ओपीडी ओटियां दोनों बंद कर दित्तियां ने। ओरथो ओटी और एमरजेंसी जिहड़ी एमरजेंसी ओटी ने सर्जरी ओटी और ओरथो ओटी जिहड़ियां दोनों बंद कर दित्तियां ने। जेदे ते सानू मतलब कि चलो धमकाया जा रहा वा कि हाँ जी नहीं करना प्रशासन वालों सानू बड़ी सख्ताई की जा रही है। साड़ी जिहड़ी पंजाब सरकार दे अगे इक्को अपील आ जल्द तो जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो सानू रेगुलर किया जाए जिस संबंधी असी ये स्ट्राइक जिहड़ी रखी आ भी साड़ी जिहड़ी स्ट्राइक उदों ही खत्म होनी है जदों साडा नोटिफिकेशन जारी होएगा। असी ओ पी डी जिहड़ी आ गांह भी बंद रखांगे। उन्होंने कहा असी तुहाडे उच्च अधिकारियों नाल गल करदे आ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਾਡਾ ਓ ਪੀ ਡੀ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਕਸਬਾ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਬਿਆਸ ਤਥਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸੇ ਸਟੇ ਹੈ और इन इलाकों के कई गांव की खेती बाड़ी की जमीन पर पिछले समय में दरिया में पानी के स्तर बढ़ने के चलते काफी भूमि खराब हो गई है जिस वजह से किसानों की कई एकड़ जमीन इस दरिया की चपेट में आ गई है और अब इन किसानों को डर है कि किसी भी समय इनकी बची जमीन भी दरिया की चपेट में आ सकती है। वहीं इन इलाकों का दौरा करने के बाद डीसी गुरदासपुर श्री प्रदीप सभरवाल ने बताया कि इनकी तरफ से अलग अलग संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इन इलाकों का जायजा भी लिया गया है और पूरी रिपोर्ट तैयार कर पंजाब सरकार से फंड्स लेकर यहां के लोगों की मुश्किलें जल्द दूर की जाएंगी। देखो मालकियां जमीन जी उपजाऊ जमीन आ ब्यास दरिया ने ढा लाने के कारण जमीन साड़ी खराब हो जा रही है। फिर जिमीदार की जमीन रुड़ गई तो सर की करांगे जी की खावांगे तो की कमावांगे जी। ये डीसी साहब ने सानू मतलब हौसला दिता भी ये जमीन नू बचाया जाऊगा पंजाब सरकार की मदद के नाल। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾ ਐਕਸੀਅਨ ਡਰੇਨੇਜ ਏ ਡੀ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਬੀ ਐਨ ਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ
साडा रेनी सीजन है उस दे विच किसी भी तरह की जान या माल का नुकसान नहीं होने दिता जाऊगा। पूरे का पूरा जिला प्रशासन लोगों की सेवा दे विच हाजिर है ते उस परपज दे लई असीं सारे जिहड़े विजिट कर रहे हैं। अमृतसर पुलिस की बर्बरता उस समय देखने को मिली जब लोगों को इंसाफ देने वाले मंदिर कचहरी में एक युवती से पुलिस ने इस कदर मारपीट की कि युवती जिला अदालत में ही बेहोश हो गई। इतना ही नहीं, युवती की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दरअसल अमृतसर की सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने शरणजीत सिंह नाम के युवक को चोरी के केस में गिरफ्तार किया था। वहीं आज उसकी अदालत में पेशी थी और इस बीच जब शरणजीत सिंह के परिवार वालों ने उसे पानी की बोतल दी तो पुलिस ने उसे पानी पीने नहीं दिया, जिससे घर वालों ने उसे पानी देने की गुहार लगाई और पुलिस ने उक्त के घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही घर वालों का आरोप है कि पुलिस वाले उसे पानी पिलाने के लिए 100 रुपए की मांग कर रहे थे। इस संबंधी उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पेशी वास्ते मुर्जम आउंदे आ, एक मुर्जम दे मगर 10-10 जाने मगर आ जांदे आ, उन्हां नूं फिर वन सोन ने बंद डब्बियां दे विच समान दिंदे बाहरों लिया के त्राजोग जो मतलब डक दी पुलिस फिर गाड़ी मतलब माड़ा चंगा बोलती है। अज भी इन्होंने बिलकुल बिलकुल पानी पानी अंदर वाटर कूलर लगे आ, ठंडा पानी है, जिन्ना मर्जी पीवे। ये जो बाहरों मतलब बंद डब्बे खड़ते जूस के दूजे तीजे उन्होंने नहीं जान देता, कोई नहीं कुटिया जी। आखो मैं आप इन्होंने खुद कहा जाते पुलिस ने कुटिया, असं इन्हू दाखिल कराने तो मैडिकल कराने, जे आपे कुटिया है तो मैडिकल के आ जाना सब कुछ। मतलब मैं जे डंडे मारे हो गए, जे डंडे मारे हो गए तो मैडिकल चाह जाने, जो बनती कार्रवाई वो अमल में लिया जाऊ किसी ने। इन्होंने मेरी प्रेमी मेरी कुटिया, इन्होंने मेरा मुंडा अंदर, इन्होंने पहला नजायज परचे पाए, पहला नजायज परचे पाए मुंडे, इन्होंने चार मुंडे कुट कुट के जेल आते गड्डी सुटे, इन्हें गड्डी सुट के मुड़ के बाद इन्होंने प्रौने कुटिया, नाले साढ़े हाथी पाए आए मेरे कन्ना का टॉप्स भी लत्था, इन्होंने मेरे मुंडे मुंडा मेरा इन्होंने कुटिया। ये पुलिस नजायज कर दी, साढ़े धक्का कर दी है, पुलिस साहब ने धक्का कर दी है, मेरा गर्क जो पुलिस का सानू इंसाफ चाहिए, एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री को सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में सरोपा ना दिए जाने पर एसजीपीसी ने अपने 2 अरदासियों की बदली। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी को समर्पित श्री अखंड पाठ करवाए के आरंभ। अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स अपनी मांगों संबंधी बैठी धरने पर। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, अपनी दीजिए इजाजत।